स्वच्छता में छक्का लगाकर देश भर में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाला इंदौर शहर अब पान गुटखा खाने वालों द्वारा किए जाने वाले पिक पेंटिंग से भी मुक्त बनने वाला है। इसके लिए इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने नो थूथू अभियान की शुरुआत कर दी है। इंदौर के महुना का चौराहे से नो थूथू अभियान की शुरुआत करते हुए महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने महापौर परिषद सदस्य और अन्य साथियों के साथ रोड डिवाइडर की सफाई की, साथ ही रेड स्पॉट एक्सप्रेस वाहन को हरी झंडी दिखा करके जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया और अभियान के गीत का प्रमोशन किया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान के पहले चरण में इंदौर वासियों को समझाइश देकर रोड साइड और डिवाइडर पर न थूकने का आग्रह किया जाएगा। इसके बाद अभियान के दूसरे चरण में रोड साइड और डिवाइडर पर थूकने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। स्वच्छता में इंदौर भारत में सिरमौर है, लेकिन फिर भी हमारे जो रेड स्पॉट है, रेड स्पॉट मतलब जहाँ कहाँ लोगों की रोड मीडियंस पे, सड़क पर, चौराहों पर गुटखा थूकने की, पान थूकने की जो आदत है, उसने अभी भी स्वच्छता के पैमानों में कुछ कमी की हुई है। तो ऐसे जितने रेड स्पॉट्स हैं उनको ख़त्म करने का अभियान नो थूथू अभियान के रूप में नगर निगम ने शुरू किया है, ताकि हम सब मिलकर रेड स्पॉट्स को ना कहें, जहाँ भी थूक कर अपने शहर की गलियों को, सड़कों को हम गंदा कर रहे हैं। ये अभियान चलाकर इस सब से हमको इंदौर को मुक्त करना है, उसी का ये अभियान आज हमने इंदौर शहर के 19 स्थानों से शुरू किया है, जो पहले चरण में जनता को जागृत करने का काम करेगा, समझाइश देने का काम करेगा, और यदि प्रेम से, आग्रह से लोगों ने नो रोड स्पॉट के अभियान को सफल बनाने में सहयोग नहीं किया तो फाइन लगाकर, पेनल्टी लगाकर भी इस अभियान को चालू रखा जाएगा और इंदौर को रेड स्पॉट मुक्त बनाया जाएगा। आज भैया